नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं BSc फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का पेपर। और दोस्तों, ये पेपर नंबर फर्स्ट है और ये दोस्तों इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आया हुआ है, यानी अकार्बनिक रसायन से आया हुआ है। तो दोस्तों, ये हमारा बी एस सी फर्स्ट ईयर का केमिस्ट्री का पेपर और ये पेपर नंबर फर्स्ट है और ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी अकार्बनिक रसायन का है 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए। तो दोस्तों, ये हमारा पेपर है, यहाँ पर कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो दोस्तों, ये कुछ इस प्रकार इसका पैटर्न रहेगा। अब बात है दोस्तों हमारा सेक्शन ए यानी खंड ए। ए के अंदर पहला प्रश्न है, इसके अंदर 10 पार्ट है, सभी प्रश्न डेढ़ डेढ़ अंक यानी एक सही एक बट्टा दो अंक है। तो पहला है कि n + n + l का नियम क्या है, दूसरा है सहसंयोजक त्रिज्या की परिभाषा दीजिए, तीसरा है समपार्श्विक अतिव्यापन से किस प्रकार का बंध बनता है, द्विध्रुव आघूर्ण बंध के प्रतिशत आयनिक लक्षण से किस प्रकार संबंधित है, एन प्रकार तथा पी प्रकार के अर्धचालकों के एक एक उदाहरण दीजिए। इसके बाद आता है कि जालक ऊर्जा की परिभाषा दीजिए, क्षार धातुएं प्रकृति में प्रबल धन विद्युतीय होती है क्यों। इसके बाद आता है कि कार्बन में श्रृंखलीकरण की प्रवृत्ति सर्वाधिक पाई जाती है क्यों। इसके बाद आता है कि कार्बाइड को परिभाषित कीजिए और इसके बाद आता है फ्लोरोकार्बन के दो उपयोग लिखिए। इसके बाद आता है सेक्शन बी यानी खंड बै। खंड बै के अंदर दो नंबर प्रश्न है कि हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत की विवेचना कीजिए अथवा एक संक्रमण श्रृंखला में आयरन ऊर्जा में बहुत कम परिवर्तन होता है समझाइए। और दोस्तों, खंड बै के सभी प्रश्न तीन तीन अंक के रहेंगे। तीन नंबर प्रश्न आता है कि सहसंयोजक बंध दिशात्मक होते हैं क्यों समझाइए, और अथवा में आता है कि अणु कक्षक आरेख के आधार पर प्रदर्शित कीजिए कि N2 अणु की प्रकृति प्रतिचुंबकीय है। इसके बाद चार नंबर आता है फ्रेंकल दोष क्या है, उदाहरण से समझाइए, या जलयोजन ऊर्जा आयनिक यौगिकों की विलयता को किस प्रकार प्रभावित करती है। इसके बाद पांच नंबर आता है कि एस खंड तत्वों की जैविक तंत्रों में भूमिका पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए अथवा कारण बताइए कि उत्कृष्ट गैसें कम क्रियाशील क्यों होती है। इसके बाद आता है छह नंबर कि सिलिकेट ग्लास पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए अथवा बोरेजीन बेंजीन से अधिक क्रियाशील है क्यों। इसके बाद आता है दोस्तों खंड सी यानी खंड सेक्शन सी। तो सेक्शन सी के अंदर सभी प्रश्न दोस्तों पाँच पाँच अंक के रहेंगे। तो खंड सह के अंदर सात नंबर है कि बोरन हेबर चक्र द्वारा इलेक्ट्रॉन बंधुता का आकलन कैसे करते हैं, इलेक्ट्रॉन बंधुता को प्रभावित करने वाले कारण बताइए। आठ नंबर आता है वेस्पर सिद्धांत क्या है, विस्तार से समझाइए। नौ नंबर है कि आयनिक क्रिस्टलों की समन्वय संख्या तथा आकृति पर त्रिज्या अनुपात के प्रभाव को उदाहरण सहित समझाइए। दस नंबर आता है कि पी ब्लॉक तत्वों के निम्नलिखित गुणों के संदर्भ में सामान्य प्रवृत्ति की व्याख्या कीजिए, पहली है परमाणुयुक्त एवं आयनिक त्रिज्या, दूसरी है ऑक्सीकरण अवस्था। 11 नंबर आता है दोस्तों कि फुदरीन की संरचना की विवेचना कीजिए, इसके रासायनिक गुण व उपयोगों का वर्णन कीजिए। तो दोस्तों, इस प्रकार ये था हमारा रासायनिक विज्ञान का पेपर। ये था दोस्तों हमारा केमिस्ट्री का पेपर नंबर फर्स्ट यानी अकार्बनिक रसायन विज्ञान से था। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।